Hello friends, so after a long time I'm coming back with my COVID series new video. I'm Dr. Bimal Chhaya. I'm practicing anesthesiologist at Ahmedabad, Gujarat, India. Bahut dino baad wapas charcha mein jo ek shabd aaya hai, Omicron. The Omicron kya hai? What is this hell about? Naam to aise daravne hote jaise Omicron. Sabse jyada charcha mein ye naam hai. तो ओमिक्रॉन कुछ नहीं है, ये वापस वही कोविड का जो चलता आ रहा है सार्स कोविड टू वायरस का एक नया वेरिएंट है, जिसे डेजिग्नेट सीक्वेंसिंग के हिसाब से किया गया है B1.1.529 बाय WHO एंड दिस इज़ कॉल्ड एज वायरस ऑफ कंसर्न. तो एक तो होता है वायरस ऑफ कंसर्न, एक होता है वायरस ऑफ इंटरेस्ट. तो कई सारे हमने देखे, पहला जब कोविड आया 2 साल पहले, कई सारे इसमें म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर, और नए नए वायरस उभरते जाते हैं. तो एक होता है वायरस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी थोड़े बहुत म्यूटेशन हुए, बहुत डेंजरस नहीं था, तो वायरस ऑफ इंटरेस्ट. वायरस ऑफ कंसर्न क्या होता है, तो जो हो गए भाई, ये काफ़ी सारे, जैसे लास्ट जो सेकेंड वेव था जो बहुत ही डेवस्टेटिंग रहा, जैसे डेल्टा वायरस, सो दिस इज़ अ वायरस ऑफ इन कंसर्न कि भाई वाई दे आर कंसर्न कि भाई ये इम्यूनिटी को बाईपास करता है, वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिवियरिटी बहुत होती है, लोगों की मौत बहुत ज़्यादा होती है, तो वायरस ऑफ कंसर्न. तो ऐसे कई आ चुके हैं. जो नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं कि भाई ग्रीक लेटर्स अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही देते हैं, जैसे हो गया अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा. जो डेल्टा था जिसने कहर ढाया था पहले इंडिया में मार्च अप्रैल में लेके जून अगस्त तक, और आज वो सारे यूरोप और दुनिया में, अमेरिका में भी जो सेकेंड थर्ड वेव उनका आया है, बहुत डेवेस्टेटिंग रहा. उसके बाद डेल्टा प्लस भी आया जो वायरस ऑफ कंसर्न था, इसने नार की ट्रेडिशनल जो थेरापी थी रेमडेसिविर और एंटीबॉडीज़ की, मोनोक्लोन एंटीबॉडीज़, कॉकटेल थेरापी, सभी को बाईपास किया और काफ़ी मौतें हुई. तो इसे कहा गया वायरस ऑफ कंसर्न. अब ये नया आया है ओमिक्रॉन, तो पहले जान लेते हैं नोमेनक्लेचर पे भी हिस्ट्री क्या रही. तो 9th of November था, बिफोर 1 month भी नहीं हुआ, 9th of November पे प्रिटोरिया में डॉक्टर वियाना ने ऑब्जर्व, उनके पास कुछ सैंपल्स आए सडनली. यानी साउथ अफ्रीका में भी हमारे जैसे यानी इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम हो चुका था, 200-400 केस रोज के हुए थे मुश्किल से, और सडनली इन्फेक्शंस बढ़ने लग गए. तो उनके पास कुछ 8 सैंपल्स आए जिन्होंने वो टेस्टिंग लैब में क्या स्टैंडर्ड PCR टेस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई हो क्या रहा था कि PCR टेस्ट में जो स्पाइक प्रोटीन का जीन होता है जिसे हम S जीन कहते हैं, तो S जीन डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था. जो PCR अगर आपने टेस्ट देखा होगा तो उसमें ORF जीन, S जीन, N जीन, E जीन, इस तरह के टेस्ट लिखे होते हैं. स्पाइक प्रोटीन तो बहुत ही महत्व का जीन है, जो स्पाइक प्रोटीन को लेकर ही वैक्सीन बनाए जाते हैं, तो स्पाइक प्रोटीन ही मिसिंग दिखा, स्पाइक प्रोटीन का जीन. शी वॉज शॉक्ड, शी रीचेक कि भाई टेक्निकल एरर हो सकता है कुछ है, उन्होंने रीचेक किया, फिर वही रिजल्ट आया. उन्होंने जोहानिसबर्ग में अपनी सेंट्रल लेबोरेटरी में ये चौंका बना रहे ये सैंपल्स भेजे, वो लोग भी शॉक में आ गए, ये हो क्या रहा है. तो उन्होंने भी यही पाया, डबल चेक करने के बाद भी स्पाइक प्रोटीन का जीन ड्रॉप आउट मिला, और वायरस के जो सिम्टम थे वो सर्दी जुकाम जो है, बॉडी एक एंड ऑल दिस, ये जो कॉमन कोल्ड जैसे ये था, तो ये कोई नया वायरस आया है क्या. कंप्लीट सीक्वेंसिंग के बाद उन्हें जो है 22nd को उन्होंने ये इन्फ्रेंस किया कि ये नया सीक्वेंस है एंड दिस इज अ न्यू वायरस, और 24th November को उन्होंने ये जो वायरस है B1.1.529 इसे WHO को नोटिफाई कर दिया. WHO नोमेनक्लेचर जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा सब वर्ड्स इनके यूज हो गए थे, लेकिन जो था कि 12वां जो था म्यू, वो भी यूज हो गया था. 13वां जो है, 13वां जो नाम है वो है न्यू. तो न्यू क्यों नहीं डाला, न्यू इसलिए नहीं डाला कि भाई आम लोग में भी सोचेंगे कि भाई न्यू मीन्स क्या, क्या नया आ गया है, तो NU न्यू के बदले वो चलो न्यू मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, न्यू नहीं डाला. उसके बाद आता है उनका 14th जो आता है वो है जी. तो जी क्यों नहीं डाला भाई आपने, जी क्यों नहीं डाला, जी है जो XI, तो XI क्यों नहीं डाला कि भाई ये लोग बोलने लगे. देखो पॉलिटिक्स कैसी बात चीज़ होती है, XI तो जी होती है भाई, चाइना में कई लोगों के सरनेम होते हैं वो जी होते हैं, जैसे जी जिनपिंग, भाई जी जिनपिंग का नाम कैसे आ सकता है वायरस, जब आप चाइनीज़ वायरस वुहान वायरस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, तो भाई स्टिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी का, तो इन लोग जी स्किप कर गए. उसके बाद आता है वर्ड ओ, जो ओमिक्रॉन ग्रीक लेटर का, तो भाई बचा था ओमिक्रॉन, तो इसका नाम दे दिया ओमिक्रॉन, बहुत डरावना सा नाम है.
प्रॉब्लम क्या है इस वायरस में कि इसकी आर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डेल्टा वायरस से 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो मान लो डेल्टा 1 को इन्फेक्ट करता था, ये 6 को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। ये इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, ये वैक्सीन को बाईपास कर रहा है। यहाँ की केसेज ऐसे आ रहे हैं कि डबल वैक्सीन किए उनको भी बाईपास किया, बूस्टर वाले एक डॉक्टर को भी बाईपास किया, उसे हो गया। अब होप क्या है कि भाई होप यही है कि भाई जितने भी केस अब तक आए हुए हैं तो काफ़ी कम सीवियर केस है, सीवियरिटी कम है। सर्दी जुकाम हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, थोड़ा माइल्ड फीवर हो रहा है, ऐसी कोई मौतें नहीं हो रही है। मगर वही नीजर्क रिएक्शन दुनिया में यही है कि भाई कोविड आया, नया कोविड आया, बहुत फैल रहा है, पैनिक हो गया, सभी ने फ्लाइट बैन कर दी, इस कंट्री को बैन, उस कंट्री को बैन, साउथ अफ्रीका को बदनाम किया, वो बेचारे बड़े गुस्से हो गए, बड़ी डिफिकल्टी से इकोनॉमी अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी और वापस आपने बैन लगा दिया। भाई हमने तो अच्छे के लिए, शायद हम बताते ही नहीं दुनिया को ऐसा कोई वायरस है, उन्होंने तो अच्छे के लिए WHO को बताया कि भाई ऐसा कोई वायरस आ रहा है, आप देखो, तो इन्हीं पे सबने बैन कर दिया। क्यों ऐसा चाइना के साथ? चाइना ने तो दो दो तीन तीन महीने तक वुहान वायरस का नाम नहीं लिया था, तब कोई नहीं। दैट इज हाउ इट इज द पॉलिटिक्स, मनी इज पावर, यू कैन प्ले पॉलिटिक्स विद दैट। भाई साउथ अफ्रीका के पास पावर नहीं है तो उन्हें बदनाम किया जाएगा। होप ये है कि भाई ये सिवियरिटी कम है। दूसरी ये है कि भाई इंडिया में होप इसलिए हो सकती है कि भाई जो नेचुरल इन्फेक्शन जो है, सेकेंड वेव तो बहुत ही डेवस्टेटिंग है। आई हैड पर्सनल लॉस इन माई फैमिली ऑल्सो, इतना डेवस्टेटिंग रहा कि मैं मानता हूँ तकरीबन 80% ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फेक्टेड। तो नेचुरल इम्यूनिटी जिनको ज़्यादा है, तो नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि होल वायरस को बॉडी एक्सपोज होती है। जो वैक्सीन इम्यूनिटी में क्या होता है, सिर्फ वैक्सीन जो प्रोटीन देता है उसी को इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो चांसेस है यू विल बी बेटर ऑफ इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, इफ़ यू आर इन इंडिया, इफ़ यू हैड अ नेचुरल कोविड, यू आर मच मोर बेटर ऑफ। दवाई की कंपनियाँ हैं, वैक्सीन की कंपनियाँ बोलने लग गई है कि भाई हम है 100 दिनों में वैक्सीन बनाए, तो फिर वही नया चक्कर। मगर माना जा रहा है कम सीवियर रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशंस कम होंगे, होम ट्रीटमेंट ही ज़्यादा हो जाएगा, बस ये लेट्स होप। द प्रॉब्लम इज राइट नाउ, क्योंकि नया वायरस है तो किसको समझाए भाई, किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है। भाई आम 2-3 महीने होंगे तब जाके पता चलेगा कितनी मौतें हो रही है, कितना सीवियर हो रहा है, और कोई म्यूटेशन हो रहा है। तो अभी ये एहतियात का टाइम है, संभल के चलने का टाइम है, ज़्यादा पैनिक होने का टाइम नहीं है। हाँ, अब इसका टेस्ट करने में प्रॉब्लम, तो टेस्ट कैसे किया जाए, तो अभी टेस्ट किट नहीं है, मगर एक ही तरीका है इसे टेस्ट करने का कि भाई जैसे हम RT-PCR जो नॉर्मल कर रहे थे, तो आप देख रहे थे उसमें हम या 2 जीन 3 जीन कर रहे थे, जैसे ORF जीन, N जीन एंड S जीन, ORF जीन, E जीन एंड S जीन, N, E एंड ORS जीन। S जीन तो सभी में आता था बिकॉज इट्स स्पाइक प्रोटीन जीन। अब ये है कि टेस्ट करना है तो क्या कि आपको सभी जीन करने हैं, ORF, S, N, E जीन, ये या एटलीस्ट 3 जीन करें जिसमें S इंक्लूड हो। और अगर आपके जो RT-PCR में S जीन मिसिंग बताता है, देन इट शोज दैट यू आर ओमिक्रॉन पॉजिटिव, तो वो डायग्नोज हो गया ओमिक्रॉन। अब तकरीबन सारे वर्ल्ड में फैल चुका है, साउथ अफ्रीका को हम नहीं बोल सकते, बोला गया साउथ अफ्रीका डायग्नोज पहले हुआ, लेकिन अब जब देख रहे हैं तो बोट्सवाना में पहला केस हुआ है, और वो जो 7 अफ्रीकन कंट्रीज है, बोट्सवाना, नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका, इस तरह के कंट्रीज है, वहाँ पर सेशल्स, वहीं पर ये हुआ था। मगर अब तकरीबन पूरी दुनिया में, इंडिया में भी आ चुका है, आज इंडिया में भी कई महाराष्ट्र में डायग्नोज हुए हैं, अमेरिका में आ गया, स्विट्ज़रलैंड में आ गया, सभी जगह यूरोप में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह आ चुका है। अब इसे रोक नहीं पाएंगे, तो मेरा ये कहना है कि जीरो कोविड लॉकडाउन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एहतियात लेना है, संभल के चलना है, हम लोग को मान लेना है वी आर बैक टू 0-1। ये वायरस जाने नहीं वाला है, कुछ ना कुछ तरीके से आते रहेगा, मगर यही होप है कि इसको खुद को सर्वाइव होना है। तो ये अपने होस्ट, हम उसके होस्ट हैं, होस्ट को मारेगा नहीं, होस्ट को जिंदा रखेगा, और ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए कम सीवियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो टाइम आ गया है वापस कि मैं खुद भी पार्टियों में जा रहा था, मैं खुद भी मास्क हटाने लग गया था, टाइम आया है कि जब तक हमें इसके बारे में पूरा पता ना चले, फिर से मास्क पर आ जाए, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग कर ले, खूब शादी कर ली, फेस्टिवल कर लिया, नवरात्रि कर लिया, दिवाली कर ली, लेकिन अब थोड़ा संभल जाए, अब के जो है थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, थोड़ा गैदरिंग कम करें, मास्क वापस पहनने लगिए। Just be cautious till the time we figure out what is this new virus Omicron all about. Bas toh sambhal ke chaliye, and I am sure it's not going to be that devastating. Don't panic. Just be safe. Take care of yourself. Thank you very much.